कोरोना महामारी को मात देने के लिए सभी की निगाह वैक्सीन पर टिकी है। दुनिया के कई देश कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। रूस ने तो वैक्सीन इजाद भी कर ली है और भारत समेत कई देशों में कोविड 19 टीके का ट्रायल अंतिम चरण में चल रहा है। इस बीच यह भी खबर है कि तमाम सरकारों और वैज्ञानिकों की मेहनत पर हैकर्स नजर गड़ाए बैठे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने बकायदा एक वार्निंग जारी कर कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटे वैज्ञानिकों को हैकर्स से सावधान रहने के लिए अलर्ट किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी वार्निंग में कहा है कि हैकर्स वैक्सीन से जुड़ा डेटा चुराने की फिराक में है और हैकर्स की नजर खासकर भारत में चल रहे रिसर्च पर है। माइक्रोसॉफ्ट की वार्निंग। माइक्रोसॉफ्ट के कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट टॉम बर्ट की माने तो कंपनी ने नोटिस किया है। माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्टिंग में कहा गया है कि भारत, कनाडा, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और अमेरिका में कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहे शोधकर्ता, मेडिकल कंपनियां और वैज्ञानिक रूसी और नॉर्थ कोरिया के हैकर्स के निशाने पर है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी रिपोर्ट में वैक्सीन पर काम कर रहे लोगों या कंपनियों के नाम के बारे में जानकारी नहीं दी है। ये है हैकर्स। रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन बनाने वालों पर नजर रखने वाले रशियन हैकर्स के ग्रुप के नाम फैंसी बियर, जिंक स्टोरियम और सेंट्रियम है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि हैकर्स ग्रुप स्टोरियम डिटेल चुराने के लिए फोर्स लॉगिंग का इस्तेमाल कर रहा है। जिंक ग्रुप का हैकिंग के लिए फिशिंग अटैक के तरीका अपना रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि ये हैकर्स लोगों को लगातार संदिग्ध मैसेज भेज रहे हैं। इन मैसेजों में जॉब ऑफर जैसे दावे किए जा रहे हैं और यूजर्स के ईमेल या मोबाइल फोन हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की करीब 7 कंपनियां कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।